इसमें हम लोग चलेंगे, राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो लाइफ जैकेट और ये जो कैप हमें पहनाया गया, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, इन्हीं की तरफ से दी जाती है। तैरना आता है आपको? नहीं। जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए लाइफ जैकेट बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड गाइस, नाउ एक्शन। चप्पू चलाते चलाते सबको भूख लग गई है भाई। राफ्टिंग में मैगी खाने का स्वाद ही अलग है। तो आप सभी का उत्तराखंड के एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो फिलहाल मैं हूं अभी ऋषिकेश में और मैं अभी सुबह सुबह निकला हूं ऋषिकेश की एक एडवेंचरस एक्टिविटी को करने, जिसका नाम है रिवर राफ्टिंग। आपने सुना ही होगा कि अगर आप ऋषिकेश आओ और रिवर राफ्टिंग ना करो तो कैसे, यानी आपका आना वेस्ट है। तो एक महीने से तो उत्तराखंड घूम रहा था, अब वक्त मिला है कि ऋषिकेश को भी एक्सप्लोर करूँगा। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ रिवर राफ्टिंग करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ठीक से तैरना नहीं आता, तो काफ़ी डरा हुआ हूँ कि कहीं रिवर राफ्टिंग करने के दौरान गिर ना जाऊँ। खैर अब जो होगा देखा जाएगा। तो क्या चार्जेस होंगे, कैसे पहुँचना है, कैसे बुकिंग करना है, सब वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे खुद अभी पता नहीं है। ऑन स्पॉट जितने भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो आई होप कि आपको उत्तराखंड की जो पिछली वीडियोस थी काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और सारी वीडियोस आने वाली उत्तराखंड की। तो चलते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सीता झूला के पास ही मैं हूँ और यहाँ पे एक राफ्टिंग वाले भैया के पास आया, कुछ ऐसा रहा उनका ये ऑफिस। तो यहाँ पे हमने राफ्टिंग की जो चार्जेस थी 520 रुपये है भाई, सीज़न चल रही है इसीलिए। अगर ये सैटरडे संडे को आता ना तो 1000 रुपये थी राफ्टिंग की प्राइस, सीज़न में बढ़ जाती है और सैटरडे संडे को खासकर ज़्यादा प्राइस लेते हैं। और नॉर्मल सीज़न में 400 300 ऐसे करके बार्गेन भी कर सकते हो। तो हमें 520 रुपये पड़ी पर पर्सन की। और यहाँ से ही इनके गाड़ी से ही हम लोग जाएंगे राफ्टिंग लोकेशन पर। यानी ओ भाई फाइनली हमने राफ्टिंग वाली गाड़ी आ गई है, इसमें हम लोग चलेंगे राफ्टिंग करेंगे। 12 किलोमीटर है यहाँ से राफ्टिंग की जो डेस्टिनेशन जो मैंने बताया, वहाँ से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होगी। तकरीबन अगर जाम नहीं लगी रहेगी ना तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर जाम रहेगी तो एक घंटे के लगभग लग जाएगी। तो अभी जब मैं यहाँ पर आया था तो हमारे साथ और दो जन आ गए थे पानीपत के, तो चार लोगों का एक ग्रुप बन गया है। और मैंने पूछा कि एक यानी बोट में कितने लोग बैठते हैं, तकरीबन 8-9 लोग होते हैं, 8-9 लोगों का एक ग्रुप होता है जो राफ्टिंग करता है। चलो भैया पहुंच गए राफ्टिंग लोकेशन पर, हार्डली आधा घंटे लगे, ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं थी, लेकिन राफ्टिंग लोकेशन में जाम है। यहाँ पर देखो पूरी जाम लगी हुई है। अब देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे। देखो उस जगह पर हम लोग जाएंगे अभी राफ्टिंग करने, और हमारे साथ बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग, इसीलिए देखो पूरी जाम लगी हुई है यहाँ पर। भैया टाइट करके पढ़ना, तो तैरना नहीं आता, कहीं डूब ना जाओ। बिल्कुल आप भाई डूब उब गया तो वो भी प्रॉब्लम है भाई। हमारी गैंग यहाँ पे निकल चुकी है राफ्टिंग के लिए, हम लोग वी आर रेडी नाउ, तो चलते हैं। आप ही है क्या हमारे गाइड? हाँ जी, ये रहे हमारे राफ्टिंग गाइड, तो आज ये हमें गाइड करेंगे। और यहाँ पे जो लाइफ जैकेट और ये जो कैप हमें पहनाया गया, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, इन्हीं की तरफ से दी जाती है। यानी और कुछ खर्चा आपका नहीं लगता, अदर एक्सपेंसेस 520 रुपये में सब कुछ कवर होता है जितना भी होता है। जैकेट हेलमेट पैडल सबके पास है? जैकेट हाँ, जैकेट हेलमेट पैडल हाँ, तीनों है। हाँ तीनों है। अभी से मतलब ऑफिस तक ये आपका जिम्मेदारी है, होना नहीं, ठीक है ना? ठीक है। और आप लोग यहाँ से रिवर्स साइड चलो, जो रिवर्स साइड जाओगे तो प्रॉपर राइट साइड चलना है, लेफ्ट में नहीं चलना है। लेफ्ट में क्या खाई है, ये प्रॉपर राइट चलना है, लेफ्ट में चलोगे तो खाई में गिर सकते हो आप। अच्छा ठीक है ना। इनके बातों को सुन के तो थोड़ा डर लग रहा है मुझे, लेकिन क्या लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कल कहाँ से आप? लातूर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से फर्स्ट टाइम आ रहे क्या राफ्टिंग के लिए? फर्स्ट टाइम आ रहे। तैरना आता है आपको? नहीं आता। भाई तैरना नहीं आता, मैंने बोला था ना कि जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए लाइफ जैकेट बहुत जरूरी है। डर लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है, उनका इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद और डर लग रहा है ना भाई। जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि राइट से चलना, लेफ्ट से मत चलना, नहीं तो खाई है, तो काफी डेंजर है भाई। आ गया भाई, शॉर्टकट आ गया भाई। भाई देख के देख के भाई देख के, बोट पे बोट, बोट पे बोट आ रही है, यहाँ पे पूरा जाम लग गई है भाई। हमारी बोट कब आएगी? वेट कर रहा हूँ इस स्पॉट पे। देखो यहाँ नीचे से जाऊँगा, वहाँ पहली बोट निकल गई, उधर देखो भाई वहाँ पे राफ्टिंग का अलग ही मज़ा चल रहा है। हमारी बोट आएगी बस
10-15 मिनट में लाने गए हैं हमारे जो गाइड लोग हैं। तो यहाँ अपनी बोट रेडी हो चुकी है। बाय 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 बाय। फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्या करना है? फ्रंट टू बैक करना, आगे से पीछे। चलो फॉरवर्ड गाइस एक साथ। ये प्लीज अमन जी ओ अच्छा ले जाओ। फॉरवर्ड गाइस एक साथ। चलो एक साथ। गुड गुड। स्टॉप। अरे चले ऑल फॉरवर्ड गाइस। चलो एक साथ। मैम सर बाहर बैठो। आउटसाइड आउट। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। ब्रदर किसी को पानी में जाना है। साइड भाई साइड की रस्सी पकड़ के उतर जाओ। रस्सी मत छोड़ना। चप्पू अंदर रख दो। रस्सी नहीं छोड़नी है भैया। रस्सी मत छोड़ना भैया। और किसी को जाना है भैया? अच्छा मेरे को जाना है। ठीक से तैरना नहीं आता, जा सकते हैं? अभी रस्सी मत छोड़ना, जाओ आराम से। और किसी को जाना है? जाओ जाओ बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जाओ क्या गया जीत है? ये क्या हो रहा है? चढ़ना नहीं चढ़ पाओगे। कुछ भी कर लो बस। चलो गुड 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 भैया। ऐसे भी लो जैसे मछलियों को टांगते हो ऐसे टांग रहा मेरे को। चलो ऐसे क्या पकड़ना है? लाइफ जैकेट। लो लो हां गुड। चलो वेक आराम से आराम से। गुड गुड गुड। आ गए मुंह दिखे इतना जोर। तो भी हेल्प करो इधर। ये करूं गुड जॉब गाइस। गुड जॉब। वेल डन गाइस। ये एक बार जैकेट नीचे करो। ओके चलिए ऑल फॉरवर्ड गाइस। चलो एक साथ चलाओ चलाओ एक साथ चलाओ भाई चलाओ एक साथ। गुड गुड। जय भवानी शिवाजी। जय भवानी। ओके चलिए बैक पेडल बैक पेडल बैक पेडल बैक पेडल। सीधा करना है ब्रो। बड़ा वाला क्या भाई जो आपने वीडियो में देखा वो तो नॉर्मल यानी नॉर्मल क्या ठीक ठाक था। अभी इससे भी डेंजरस वाला आने वाला है राफ्टिंग। अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पे मैगी पॉइंट बीच बीच में स्पॉट बनी रहती है ऐसे। यहाँ पे रेस्ट करो आराम से मैगी खाओ फिर से अपनी राफ्टिंग कंटिन्यू करो। तो हमारी गैंग है गाइस हाउ आर यू फीलिंग? तो सारे भैया लोग महाराष्ट्र के भाई लोग पानीपत के हैं। तो काफ़ी अलग अलग लोग मिल गए और मज़ा आ रहा है भाई। काफ़ी मज़ा आ रहा है राफ्टिंग में। मेरे को डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि तैरना नहीं आता सही से कहीं डूब ना जाऊँ। मैं खुद अपने दोस्त को देखा कूदते हुए मैं भी कूद गया भाई। जो होगा देखा जाएगा लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप नॉर्मली आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। राफ्टिंग सेफ है एकदम। ओके चलिए ऑल फॉरवर्ड गाइस। स्टॉप 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 स्टॉप। चलो चलो एक साथ चलिए फॉरवर्ड गाइस। चप्पू चलाते चलाते सबको भूख लग गई है। सब लोग हम नाश्ता पानी कर ले जा रहे हैं मैगी पॉइंट पर। भैया भैया लोग को सबको भूख लग चुकी है। वहाँ देखो भाई तो थक ही गए एकदम चप्पू चलाते चलाते। चाय मैगी कॉफी। मैगी 60। ए पेमेंट कैसे करेंगे? सारा पर्स तो अंदर में। अच्छा बैग तो यही है। हाँ ऑनलाइन हो जाएगी ना भैया? फोन में नेटवर्क देख लो आ रही है। ओह नेटवर्क आएगी कि नहीं? नेटवर्क नहीं था उस वक्त। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखते हैं नेटवर्क आ रही है कि नहीं। सर थैंक यू। बोतल दे दो खाली। तीन चाय भाई। राफ्टिंग में मैगी खाने का स्वाद ही अलग है दोस्तों। जो हमने राफ्टिंग की वो थी 9 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर की होती है लेकिन यहाँ पे लोग 9 किलोमीटर की कराते हैं। और अलग अलग किलोमीटर की राफ्टिंग होती है। 32 किलोमीटर की, 24 किलोमीटर की, 16 किलोमीटर की। तो यहाँ हमारे जो गाइड भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि 16 किलोमीटर वाली राफ्टिंग में काफी मजा आता है क्योंकि उसमें जो वेव्स आती है यहाँ पे रैपिड बोलते हैं तगड़ी वेव्स आती है। 10 से 11 रैपिड आती है भाई। अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं 16 किलोमीटर वाली ट्राई करूंगा। अभी फिलहाल बंद है क्योंकि अभी कुछ रीजन है इसलिए बंद है। वैसे क्यों बंद है भैया? 16 किलोमीटर पानी ज्यादा हो गया इसलिए ना।
16 किलोमीटर वाली में ज़्यादा मज़ा आता है ना, 16 किलोमीटर वाली में ज़्यादा मज़ा आता है भाई। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे हम लोग। और ये अभी हम लोग फिलहाल घाट में पहुँच गए हैं, हमारी फाइनली राफ्टिंग ख़त्म होती है यहाँ पर भाई। राफ्टिंग के बाद ये हमारी ये टेम्प्रोरी जॉब मिल गई है हमें अपनी बोट ले जाने की। ए अमरदीप पकड़ 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 भाई, ये देखने में हल्की लगती है लेकिन बहुत भारी है। मेरे को लगा था दो जन इनफ है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरी ग्रुप लग गई है लेकिन उठ नहीं रही है। ए पकड़ भाई, भारी लग रहा है। फिलहाल मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया और अभी आ गया हूँ उसी जगह पर, गंगा घाट पर, जहाँ पर मैंने अपनी राफ्टिंग ख़त्म की। तो कुछ बातें मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को बताऊँ। एक्चुअली सबको लगता है कि राफ्टिंग करूँगा तो फिर यानी कपड़े चेंज करने का जो रूम होता है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कपड़े अपने लाना है कि ये लोग कपड़े देंगे, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जब आप आओगे ना, किसी भी एजेंसी के पास आओगे, किसी भी एजेंसी से अगर आप राफ्टिंग बुकिंग करवाते हो तो आप जो कपड़े पहन के आ रहे हो उसी कपड़े में राफ्टिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपको स्पेशल यहाँ के, जैसे हम लोग वीटो वाइल्ड में जाते हैं वहाँ पे अलग कपड़े होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। सेम कपड़ा जैसे मैंने अभी ये पहना है तो इस कपड़े को पहन के मैं राफ्टिंग कर सकता हूँ। बस आप एक एक्स्ट्रा कपड़ा लाना, क्योंकि गीला होने के बाद आपको तो चेंज करना होगा, और वो कपड़े आप एजेंसी के पास ही रख देना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर पर एजेंसी होती नहीं है। तो आप कपड़े चेंज कर लेना वहाँ पर जाकर। और दूसरा चीज़, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे भाई, एक रुपये भी नहीं लगेंगे। आपके 520 रुपये की टिकट प्राइस थी यानी बुकिंग राफ्टिंग की, 520 से एक रुपये भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस वो मैगी पॉइंट पर अगर आपको खुद खाना है तो आप मैगी खा लेना, और मेरे हिसाब से खा लेना, क्योंकि भाई बहुत चप्पू चलाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो कुछ ऐसी थी और कुछ नहीं, आप चुपचाप आओ, आप एकदम आराम से आओ, बुकिंग करो और सेम डे एक डेढ़ घंटे के अंदर आप राफ्टिंग करने लगोगे। ग्रुप बन जाएगी, 9 लोगों की 7 लोगों की एक ग्रुप होती है, और काफ़ी अच्छा लगा, गाइड हमारे बहुत अच्छे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऋषिकेश की राफ्टिंग वाली मेरी ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी, और काफ़ी आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे मेरे थ्रू। तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है भाई, फर्स्ट टाइम मैंने राफ्टिंग की, अब नेक्स्ट टाइम 16 किलोमीटर की राफ्टिंग पक्का करूंगा, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूं यहीं पर ख़त्म, अब ऋषिकेश को भी एक्सप्लोर करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपका मन हो किसी को शेयर करने का मेरा चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।